हेलो सर, वेलकम टू द शोमैन शो। थैंक यू वेरी मच सर। शुरुआत करते हैं आपके उन दिनों की, जब आपके आपके दिल में वो सपने थे कि हाँ, मैं एक एस्पायरिंग फिल्म डायरेक्टर या जो भी आपके, वो उस समय की बात बताइए। जी, हर नौजवान अपने सपने लेकर आता है मुंबई में कि मैं एक दिन कुछ ना कुछ बनूंगा। उसी तरह के सपने मेरे भी थे, जैसे आजकल लड़के लड़कियां मुझे मिलते हैं या विसलिंग वुड्स में पढ़ते हैं, तो जब मैं उनके सपने देखता हूँ तो मुझे अपने सपने याद आते हैं। लेकिन सपनों को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी स्टडीज़ करनी पड़ती हैं। और मुझे सपनों को साकार करने के लिए मुझे पूना का जो फिल्म इंस्टीट्यूट था, जहाँ मैंने 2 साल ट्रेनिंग ली, उसने मेरी बहुत मदद की। मेरे सपने साकार हुए, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अपने फिल्म इंस्टीट्यूट का हूँ। सर, उस फेज की बात कर सकते हैं कि जब आप एक्टर से यू बिकेम अ डायरेक्टर, अगर आप उसको थोड़ा एलाबरेटली बताएं कि कैसे वो। मैं एक्टर से डायरेक्टर कैसे बना, इसमें भी एक योगदान जो था मेरे फिल्म इंस्टीट्यूट का बहुत था। हालांकि मैं वहाँ एक्टिंग सीख रहा था, एक्टिंग कोर्स कर रहा था, लेकिन बिकॉज एक जनरल कोर्सेज भी होते हैं, फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसमें कि हम लोग ये भी देखते थे कि फिल्में कैसे बनती हैं। हम दिल्ली से आए थे, स्टेट से थे, लेकिन जब फिल्म इंस्टीट्यूट में गए तो हमें समझ आया कि एडिटिंग क्या है, साउंड क्या है, कैमरा कैसे रखते हैं, ये डायरेक्टर कैसे काम करते हैं। तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट में भी घुस जाता था और उसमें यहाँ पर अपनी रुचि दिखाता था सीखने की। तो सीखना जो है वो एक बड़ा इंडिविजुअल स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। पढ़ाने वाले तो पढ़ाते रहते हैं, लेकिन इट इज़ ए स्टूडेंट हु लर्न्स, नॉट अ टीचर हु टीचेस, आई वुड से। सो मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। और जब मैं पहली पिक्चर में कॉलेज में डायरेक्टर बना तो मुझे सब वो बातें याद आईं कि टेक्निक क्या होती है, कैमरा क्या होता है, और जो जो मैंने वहाँ 2 साल की ट्रेनिंग में सीखा था वो मुझे मेरी मदद की एज अ एक्टर से लेकर डायरेक्टर बनने में। जबकि मैं किसी का भी असिस्टेंट नहीं था तो भी मैं डायरेक्टर बना कालीचरण में। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं कोई माँ के पेट से सीख के आया था, मैं अपने फिल्म इंस्टीट्यूट के पेट से सीख के आया था। सब बात करते हैं कालीचरण की। सबसे पहले जस्ट ब्रीफ ये कि मतलब कालीचरण कैसे कैसे शुरुआत हुई कालीचरण की। कालीचरण की शुरुआत ऐसी हुई कि मैं एक्टर के बाद राइटर बना और कमर्शियल सिनेमा को समझा। कमर्शियल सिनेमा में हमारे इंस्टीट्यूट के काफ़ी लोग जो थे वो रह गए पीछे, क्योंकि आर्ट सिनेमा उसकी तरफ, बर्ड सिनेमा की तरफ ज़्यादा जोर था उस वक्त। तो जब मैं राइटर बना तो मैंने कमर्शियल सिनेमा के स्क्रिप्ट लिखने शुरू किए, और उस स्क्रिप्ट में एक स्क्रिप्ट कालीचरण हमारे प्रोड्यूसर NNCP साहब को पसंद आया, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुम सुना रहे हो, अगर इसका 70% भी तुम बना दो तो मैं समझता हूँ कि तुम डायरेक्टर बन सकते हो। और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कालीचरण, और मैंने कालीचरण शुरू की। लेकिन कालीचरण में मेरे साथ जो 2 मेन आदमी थे, एक शत्रुघ्न सिन्हा और एक के महाजन कैमरामैन, जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, क्योंकि दोनों मेरे इंस्टीट्यूट के कुलीग थे और हमने काफ़ी, हमारे इस फिल्म इंस्टीट्यूट की टीम थी जिसकी वजह से कालीचरण बन सकी। बिकॉज कैलिब्रेटरी बहुत था, यानी कि खाली मेरा, मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं आती थी जो के महाजन साहब ने संभाली, कुछ शत्रुघ्न सिन्हा जो भी इंस्टीट्यूट के एक्टर थे उन्होंने संभाली। तो एक कॉलोबरेटिव वर्क हुआ जिससे कि कालीचरण ने एक जन्म लिया। सर, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट फिल्म ऑफ आवर शो इज कर्ज। सर, कर्ज की बात करें तो फिल्म वाज ऑन रीइंकार्नेशन, और मतलब कैसे, हाउ डिड द स्टोरी डेवलप टू बिकम इनटू सच अ, द थीम ऑफ द फिल्म वाज रीइंकार्नेशन, और किस तरह से स्टोरी कैसे डेवलप होके, हाउ डिड कर्ज बिगिन। उसी हमारे इंस्टीट्यूट में रिटेन घटक डायरेक्टर थे जिन्होंने फिल्म लिखी थी मधुमती। तो मुझे याद है कि इंस्टीट्यूट में जब हमारे वाइस प्रिंसिपल थे तो उन्होंने जब मधुमती दिखाई तो उसमें उनका नाम था स्क्रीन प्ले राइटर। तो हमने बोला, आप तो आर्ट डायरेक्टर हैं, आर्ट सिनेमा के हैं, आपने मधुमती पिक्चर कैसे लिखी। तो वो हंसने लगे, वो कहने लगे, हाँ ये मैंने गलती की है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी जन्म जो लेता है दूसरी बार उसका सेम फेस नहीं होता है। अगर जन्म लेते तो सेम फेस कैसे हो सकता है। तो ये आप मिथ है सिनेमा की, हमारी इंडियन फिल्म की, और लोग भी इसे विश्वास करते हैं। और तो हंसने लगे कि मैंने एक बहुत झूठी झूठी कहानी लिखी है, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, ये कहा उन्हें। तब से मेरे दिमाग में था कि रीइंकार्नेशन की जब भी मैं फिल्म बनाऊंगा उसमें जो दूसरे जन्म का जो लड़का होगा उसका चेहरा वैसे नहीं होना चाहिए। वो दूसरे को पहचान सकता है, जान सकता है, लेकिन लोग उसे नहीं पहचान सकते। अब जितने भी अगर पुनर्जन्म की कहानियाँ सुने कि कहीं वो बच्चा पैदा हुआ या कहीं बड़ा एक लड़का उसको याद आया कुछ, तो वो सेम फेस तो नहीं हो सकता।
लेकिन एक हमारे मिथ्य जो मिथ्या है वो फिल्मों में चल रही थी, बस वो मुझे ऋत्विक घटक साहब की बात याद आई और मैंने जब एक पिक्चर देखी री इनकारनेशन ऑफ पीटर ब्राउड, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन मुझे देखी कि उसमें एक बात थी कि वो जो फेस था वो अलग था, तो मुझे जब ऋत्विक घटक साहब के इंस्टीट्यूट की बात याद आई तो मैंने कहा कि मैं ऐसी फिल्म लिखता हूँ कि जिसमें कि री इनकारनेशन हो लेकिन चेहरा अलग नहीं होना चाहिए। अगर मेरा जन्म दूसरे फेस से आता है और मैं इसी तरह से सपोज विस्ली गुड्स में आता हूँ या मुक्तर आर्ट्स में आता हूँ और देखता हूँ सब कुछ बदल गया है तो मुझ पर क्या बीतेगी, इस सोच को लेकर मैंने कर्ज पिक्चर देखी। तो सर पुटिंग अप ऑफ द टीम, मतलब जस्ट ऋषि कपूर को कास्ट किया, टीना मुनीम जी को कास्ट किया, इवन द राइटर्स एंड द म्यूजिक, सर उसके बारे में अगर आप बताएं थोड़ा डिटेल में। क्योंकि उस वक्त जो यंग एक्टर में सबसे अच्छे एक्टर थे वो ऋषि कपूर थे, वो आज भी अच्छे एक्टर हैं, लेकिन ये रोल करने के लिए मुझे एक यंग लड़की की बहुत सख्त जरूरत थी और उस वक्त ये सब सीनियर थे, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना वगैरह, राजेश खन्ना, तो एक यंग लड़की की मुझे जरूरत थी जो कि जिसकी उम्र 22 23 साल के बीच में हो या 21 साल के बीच में हो। तो मैंने दो लड़कों का चयन किया, एक का नाम था राजकिरण और एक का नाम था ऋषि कपूर। और ऋषि कपूर को हमने पॉप, बिकॉज ही वॉज ए गुड डांसर, गुड एक्टर, सो आई हैड ए चॉइस दैट मैं उन्हें एक पॉप सिंगर और पॉप डांसर का एक कैरेक्टर लिखा मैंने, और उस पर फिर म्यूजिक को वीव किया कि जो जिंदगी की एक साउंड है वो साउंड जो है जैसे हज़ारों साल की साउंड कहते हैं आज भी है, आज पकड़ सकते हैं हम सैटेलाइट के थ्रू, रिकॉर्ड के थ्रू, तो एक साउंड है जो कि उसको याद दिलाती रहती है अपने पिछले जन्म की, कुछ विजुअल्स हैं जो उसको आते रहते हैं, तो इस तरह से। और टीना मुनीम क्योंकि एक इनोसेंट लड़की चाहिए थी, जैसे टीना थी, टीना हमारी दोस्त भी थी, हमारा एक अपना ग्रुप था, तो वो जिस तरह से बात करती थी, जो इनोसेंस उनमें थी, वो वही की वही मैंने अपनी फिल्म में रखी उस फिल्म में। लेकिन उस फिल्म में सबसे बड़े कास्टिंग का जो प्रॉब्लम था वो था सिमी जी के रोल के लिए, तो सिमी जी के मुझे मालूम था कि इसमें मैं कोई भी आर्टिस्ट नहीं कर सकता, अगर सिमी जी उस पिक्चर में ना हो तो पिक्चर का रूप अलग हो जाएगा, तो मैं उनके पीछे बहुत देर तक उन्हें मनाता रहा कि आप ये रोल कीजिए। वो थोड़ी हिचकिचाती थी हमेशा कि शायद मैं मैम बन जाऊँगी, शायद ये बुरा रोल है, शायद ये नेगेटिव रोल है, तो मैंने उन्हें समझाया कि एक एक्टर का रोल है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं, अगर नेगेटिव है तो है, लेकिन आप परफॉर्मेंस इसके लिए आपको बहुत ही रिकॉग्निशन मिलेगी। और मुझे खुशी है कि इस फिल्म में सिमी जी को फाइनली फिर फिल्म वेयर अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, और वो खुश होकर उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा। सो व्हाट डिड यू सी इन सिमी जी, मतलब बिकॉज क्योंकि आप जैसा आपने कहा कि आप उनके पीछे पड़े रहे टू डू दिस, व्हाट डिड यू सी? जो कर्ज में जो कॉन्टेस्ट का रोल था, जो कि एक प्रिंसेस और क्वीन है अपनी जगह में अपने स्थिति में, उसमें जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसका जो कैरेज है, वो सिमी जी की तरह ही था, क्योंकि सिमी जी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, एक अपना कैरेज है, ग्रेस है, और सिमी जी एक बड़े ख़ानदान की, युवराज खानदान की, रजवाड़ों के ख़ानदान की लगती हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जब ये पावर इन लोगों को आती है तो वो उतने ही दृढ़ और संकल्प और उतनी ही शक्ति से वो वेंडेटा में भी कर सकते हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनमें उतनी ही पावर होती है जिस वक्त वो वेंडेटा लेते हैं, लेकिन उनमें फिर भी एक फिज़िकल ग्रेस होता है, तो फिज़िकल ग्रेस जो था वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए। देन मुझे किसी और मैम को लेना जो कि सेंसुअल बिहेव करे या इसी अट्रैक्टिव एल्योरिंग एक्शन करे, तो सिमी जी की जो एक ठहराव और उनकी जो बात करने का तरीका, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, दैट वॉज वेरी मच मैचिंग टू द कैरेक्टर वॉट आई हैड रिटन इन माई फिल्म, सो इसलिए मैं उनके पीछे पड़ गया कि आपको रोल करना ही पड़ेगा। और राजकिरण के बारे में अगर आप बताएं, वाई राजकिरण? बिकॉज क्योंकि मैं कोई स्टार नहीं लेना चाहता था, मैं चाहता था कि वो एक नया लड़का हो और उसी एज का हो और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसकी झलक जो है हीरो के साथ मिलनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था कि दूसरे जन्म में हीरो का फेस अलग होगा, एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि तब तक सिनेमा, आज तक सिनेमा जो है ऐसे ही लगता है कि भाई अगर एक मर गया है हीरो तो वही हीरो उसी फेस में दोबारा आता है, क्योंकि बहुत बड़ी मिथ्या है इट्सेल्फ। लेकिन उस तरह के फेस मुझे चुनना है तो आई हैड मेट हिम इन ऑडिशन टेस्ट, ही केम टू मी एंड आई थिंक इट ही विल वर्क, और मैंने उनको कास्ट किया। सर म्यूजिक एंड डांस इज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अपने आपके फिल्म में,
सो इफ यू कैन टेल अस अबाउट म्यूजिक म्यूजिक और डांस के बारे में ये कह सकता हूँ कि उस वक्त मेरे लिए दो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था कर्ज में, कि मैं मॉडर्न फिल्म बना रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर पॉप सिंगर है, पॉप स्टेज डांसर है, तो सब ने मुझे एडवाइस किया कि आप आर डी बर्मन को लीजिए, पंचम साहब को लीजिए। पंचम साहब बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर थे और हमारे पास दो ही चॉइस थी, या लक्ष्मीकांत परेला या पंचम। तो मैंने राइटर्स ने भी कहा कि जिस तरह की तुम फिल्म बना रहे हो उसमें इंडियन म्यूजिक जो है वो नहीं है, और वेस्टर्न म्यूजिक में पंचम जी जो हैं काफ़ी स्कोर करते हैं, लेकिन मेरे ताल्लुकात लक्ष्मी जी से बन चुके थे ओवर देयर। तो मैंने ऐसे ही उनके पास गया और मैंने कहा कि देखो मुझे एक बात से बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं ऐसे सब्जेक्ट में फंस गया हूँ जिसमें कि एकदम मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक चाहिए, भले वो मेलोडीज़ इंडियन हो या कुछ नहीं, आप मेलोडीज़ लिखते हैं, ढोलक है, तबला है, आपका सब कुछ अच्छा है, तो क्या मैं ये चैलेंज आपको दे सकता हूँ। तो प्यारे जी भी वहाँ पर थे, तो प्यारे जी हंसने लगे, तो कहने लगे कि हमने भी बहुत कैबरे डांस और कैबरे गाने लिखे हैं, तो आपने सुने होंगे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या किस दुविधा में हैं। तो प्यारे जी ने मुझे कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, जिस दुविधा में है उस दुविधा को मैं सॉल्व कर दूँगा। तो सबसे पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ लक्ष्मी जी ने किया, वो एक गज़लनुमा गाना था, दर्द दिल दर्द जिगर जगाया आपने, और ये थी गज़ल, गज़ल की तरह लिखा और गज़ल ही जैसे गाते हैं। लेकिन जब प्यारे जी ने गाना सुना और उसको जो रूप दिया ऑर्केस्ट्रा से, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़े हैरानगी की और प्लेजेंट सरप्राइज़ की बात हुई, और उन्होंने मुस्करा के मेरी तरफ देखा कि क्यों, गज़ल है या मॉडर्न गाना है। मैंने बोला जी दोनों हैं। तो वहाँ से एक चैलेंज जो म्यूज़िक कंपोज़र को मिला और जो उन्होंने निभाया, ये सारा क्रेडिट लक्ष्मीकांत परेल को जाता है। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया कि अच्छा अब हम आपको म्यूज़िक दे रहे हैं, अब आप हमको पिक्चराइजेशन भी करके दिखाइए। तो वो चैलेंज मेरे सिर पे आ गया, तो हम दोनों लड़ते लड़ते चैलेंज करते 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 कर्ज का म्यूज़िक बना, कर्ज की पिक्चराइजेशन। एक हसीना थी जो गाना है, इट वॉज लाइक म्यूजिक इज़ वेरी हॉन्टिंग, मतलब अब आज तक लोग बहुत अभी भी फ्रेश लगता है उस गाने के बारे में, पिक्चराइजेशन टू एवरीथिंग। अगर एक्चुअली वो गाना पिक्चर में या स्क्रिप्ट में था ही नहीं, किसी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी हमारी, सिर्फ ये थे कि हमने ट्यून बनानी थी, और वो जो गिटार की ट्यून है टांग रडांग डांग, वो ही पूरी फिल्म में चलती है। तो हालांकि एक बार बीच में मैंने लक्ष्मी जी को पूछा भी कि ये इसके ऊपर कुछ गाना बन सकता है, तो उन्होंने सुना तो उन्होंने बोला शायद बहुत मुश्किल होगा और गाने में बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल जो मेलोडीज़ हैं वो अलग होती हैं और जो गायकी है वो अलग है। तो जब मैंने प्यारे जी को और बख्शी जी को कहा कि क्लाइमैक्स पे पहुंच चुके हैं तो क्यों ना हम इसी का गाना एक बनाएं, तो बख्शी जी ने जब गाना सुना तन डन तन डी, तो उसी का तो उन्होंने कहा कुछ कागज़ पेंसिल लिया, कहा तुम्हारी कहानी मुझे अच्छी तरह याद है, हम अपनी कहानी को दोहराते हैं, क्या चाहिए तुम्हें। मैंने बोला जी हमें अपनी कहानी अगर रीप्ले करें, और रीप्ले करके इस औरत को हॉन्ट करते हैं हम लोग, तो उस रीप्ले में उन्होंने लिखा एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र थी क्या ज़माना था, और फिर उसके बाद उन्होंने अंतर में पूरी कहानी लिख डाली, जो कि एक बहुत ही अचंभे वाली बात, और इट वॉज़ ए डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज अनंत बख्शी जैसे लिरिक्स राइटर बहुत कम आए हैं हमारे देश में जो कि फिल्म की कहानी सिचुएशन और कैरेक्टर्स को समझ के लिखते थे, चाहे वो छोटी सी सिचुएशन हो बड़ी हो, छोटे आदमी की कहानी हो मेंढक हो धूप हो बड़ा पाव हो कुली हो फिलॉसफी हो कोई भी चीज़ हो, उसको बहुत आसानी से वो उसके दर्द को उसकी सेंसिटिविटी को लिख पाते थे। तो बख्शी जी का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सर वो जो एक्सीडेंट सीन था जो मंदिर के पास जहाँ पे सिमी जी राजकरण को मारती हैं, तो क्या वो सेट आपने लगाया था या वो मंदिर वहाँ पे एग्जिस्ट करता उसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है, क्योंकि मुझे तकरीबन लोग पूछते हैं कि वो ऊटी में जो मंदिर हम ऊटी गए तो हमें वो मंदिर दिखाई नहीं दिया, तो मैंने जब उनसे कहा तो बहुत निराश हुए, मैंने बोला वो मंदिर वहाँ नहीं था, वो मंदिर मैंने फिल्म सिटी में लगाया था, यहाँ एक सड़क है उसके ऊपर और मैंने उसको मैच किया था वहाँ पर ऊटी के साथ, क्योंकि ऊटी के जो डेवलप टूरिस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है वो भी मुझसे पूछते थे कि सब टूरिस्ट आते हैं और बोलते हैं जी वो कर्ज वाला मंदिर कहाँ है, तो हमें तो मालूम नहीं। मैंने बोला जब एक काम कीजिए, वो कहते हैं जी हमें अभी हमें आर्टिफिशियल मंदिर बनाना पड़ेगा ताकि लोग आके पूछते हैं कि ऊटी की जगह आपने अनाउंस की है लेकिन मंदिर तो नहीं है।
मतलब फिल्म मेकिंग में सवाल चीटिंग के है क्या, चीटिंग है और चीटिंग है। सर एक वो जो गाना था मैं 16 बरस की, उसमें सुना गया कि उसमें कोई कोरियोग्राफर यूज नहीं किया था आपने उस गाने को? नहीं नहीं, 16 बरस में गाना था डेफिनेटली, 16 बरस में सुरेश मास्टर थे, यस हाँ, लेकिन वो पार्टली आए थे, पार्टली मैंने किया था। जहाँ जहाँ सिर्फ कोरियोग्राफर को मैं तभी लेता हूँ जिस वक्त डांस मूवमेंट की जरूरत होती है, और खासकर लड़कियों की डांस की जरूरत होती है। जहाँ पर डांस पोर्शन आता है तो मैं उनको जरूर बुलाता हूँ, और जहाँ डांस पोर्शन की जरूरत नहीं है वो नॉर्मली पिक्चराइज मैं ही करता हूँ। इवन दर्द दिल आई थिंक वो मैंने पूरा गाना खुद किया था, खुद ही किया। तो उसके बाद में वो मेरा सबसे पहला गाना था, फर्स्ट सॉन्ग, फर्स्ट सेट, फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट सॉन्ग विद ऋषि कपूर फर्स्ट टाइम। और ऋषि कपूर साहब ने मुझसे पूछा कि ये गाना जो आप कर रहे हैं कोरियोग्राफर तो है नहीं, तो मैं बोला इसमें कोरियोग्राफर की क्या ज़रूरत है? तो बोले यार भाई आपको म्यूजिक की सेंस है? मैं बोला चलो शॉट लेते हैं, बाद में बताएंगे कि सेंस है कि नहीं। और वो आज भी उस बात का मजाक करते हैं, जब मिलते हैं तो याद करते हैं उस बात को। इसी फिल्म से आपकी आपकी स्पेशल अपीयरेंस शुरू हुई थी फिल्मों में, सो इफ यू कैन टेल अस दैट आप जो एक एक अपना अपीयरेंस देते हैं हर फिल्म में। वो एक्चुअली कर्ज में एक मजाक किया मेरे यूनिट ने मेरे साथ, क्या हुआ कि मैंने उनसे लिखा था कि भाई एक साउंड है पैसा, एक बड़ी मोटी सी आवाज़ आती है, तो मैं लास्ट डे शूटिंग थी मेरी उस ऑडियंस की पार्ट्स की जो थी, और मुझे सेंसर में पिक्चर भेजनी थी, और लास्ट डे ऑफ शूटिंग तो क्राउड मंगाया हमने, तो क्राउड के कुछ शॉट्स लिए, तो बीच में मैंने उनको रिक्वायरमेंट लिखा था कि एक बहुत मोटा सा आदमी चाहिए जो सोया हुआ है और सोते सोते बोलता है पैसा, ऐसा होना चाहिए। तो बोले हाँ जी आ गया, मैं ले लिया। तो चीफ आप चीफ असिस्टेंट पर डिपेंड करते हैं कि कैरेक्टर्स आप कास्ट कर लीजिए। शॉट लगा दिया मैंने, वो जो कुर्सी आई तो एक आदमी बिठा दिया, असिस्टेंट बैठ गया, मैं बोला एक्टर कहाँ है? तो सब लोग बोले जी सिवाय आपके कोई नहीं मिला हमें, तो ये शॉट आप दीजिए। अब मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैं हंसने लगा, मैं बोला क्यों आप मेरे एक्टिंग डिप्लोमा को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। खैर यानी भाई वो शॉट दिया, उसके बाद एक मजाक बना, एक फ्लर्टेशन बनी, फिर हैबिट बन गई। अभी हैबिट मेरी भी है और ऑडियंस की भी है, और एक ताल्लुकात बन गया हमारा और दर्शकों के बीच में, और अब मजा आने लग गया और अब सवाल भी पूछ रहे हैं। सर फिल्म में प्राण साहब भी थे और उनका नाम कबीरा, मतलब एक तो कैरेक्टर नेम आल्सो, एंड हाउ इज इट वर्किंग विद प्राण साहब? प्राण साहब वाज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड एक्टर, कैरेक्टर एक्टर इन दोज डेज, 60s 70s, आई थिंक ही वॉज रूलिंग, एंड ही वॉज एज गुड एज अमिताभ बच्चन टुडे, जो पिक्चर को पूरा अपने कंधे पर ले जाते हैं, हीरो कोई भी हो लेकिन पिक्चर का बोझ अपने कंधे पर उठाते हैं। तो उनके साथ कोई भी हीरो था तो प्राण साहब का एक सपोर्टिंग कैरेक्टर, पर्टिकुलरली उपकार फिल्म के बाद उनका टाइम बहुत अच्छा चला, एंड ही हैड ए पावर टू कैरी द फिल्म, एंड ही वुड लाइक टू गो विद द वेरियस कैरेक्टर्स, ही विल कम विद डिफरेंट गेटअप्स विद सजेशंस विद बॉडी लैंग्वेज। और कालीचरण में गोलू गवा का रोल किया, और उसमें ये किया, तो फॉर मी ही वॉज अ सीनियर एक्टर, सीनियर स्टार, एंड आई वॉज जस्ट न्यू, एंड ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी प्रोफेशनल। एंड कबीरा नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि ना वो हिंदू था ना मुसलमान था, तो वो कैरेक्टर ऐसा था कि मैं कहीं भी पैदा हुआ हूँ ना मुझे नहीं मालूम कौन है, कौन हूँ मैं, तो कबीरा मुझे कहते हैं। और उनके जो असिस्टेंट थे दाया बाया, मतलब उनका Why did you choose to call them दाया बाया? I mean, was it any reason या फिर? क्योंकि क्या होता है कि हम हर आदमी के जिंदगी में वो पावर तभी महसूस करता है जब उसके दाया बाया में वो खड़ा हो, तो कबीरा भी अपनी पावर को शायद बताने के लिए एक दाया बाया एक इल्यूजन खड़ा करके रखते थे। दाया बाया के बिना तो कोई आदमी आज जिंदा नहीं रहना चाहता, वो सक्सेस ही सभी होते जब उसके पास दाया बाया हो। आज भी सबके पास दाया बाया हैं, जिसके पास नहीं है वो खुद दाया बनाए या खुद बाया बनाए। तो फिल्म में प्रेमनाथ साहब भी है जो जिन्होंने एक म्यूट कैरेक्टर प्ले किया है, तो व्हाई डिड यू चूज टू कीप द कैरेक्टर? प्रेमनाथ जी मेरे साथ 4 पिक्चर में कर चुके थे। कालीचरण में वो बहुत ज़्यादा बोले थे, 80% डायलॉग उनके थे। फिर उन्होंने क्रोधी की, उसमें 60% थे। फिर उन्होंने मेरे साथ एक और पिक्चर की, उसमें मैंने 40% रखे। जब चौथी पिक्चर करने लगा मैंने बोला आप बस डायलॉग बोल दीजिए, आप इसमें बिल्कुल म्यूट का रोल कर रहे हैं, गूंगे का रोल कर रहे हैं। बोले मेरे वॉइस ही तो चलती है, मेरा डायलॉग ही तो चलते हैं। मैं बोले वही तो नहीं करना है, लेकिन उन्होंने किया और बहुत अच्छी तरह से निभाया, आप देख सकते हैं।
सर जब फिल्म रिलीज होने वाली थी बिकॉज जैसा आपने कहा यू वर टेकिंग अ रिस्क क्योंकि रीइनकार्नेशन पे फिल्म बना रहे थे आप, आई मीन कितना नर्वसनेस था उस वक्त जब फिल्म कंप्लीट हो गई रिलीज के लिए तैयार? नर्वस तो मैं आज भी हूँ, नर्वस मैं शुरू में भी था। नर्वसनेस जो है वो एक आपकी अलर्टनेस है जो आपके अंदर क्रिएटिव अलर्टनेस रहती है, वो हर फिल्म के साथ जुड़ी होती है। कोई भी फिल्म मेकर ये नहीं कह सकता कि मैं बड़े आराम से आंखों में पट्टी बांध कर पिक्चर बनाऊंगा और बहुत रिलैक्स माइंड से, बिकॉज आपकी जिम्मेदारी है कि दो घंटे तीन घंटे के अंदर जो हॉल में बैठे लोग हैं वो हर फ्रेम को बहुत माइन्यूटली वॉच करते हैं, हर डायलॉग को उस ड्रामा के अंदर घुस जाना चाहते हैं। अगर वो नहीं घुसते हैं तो आपने कहीं ना कहीं उसमें लैप्स किया है। सो वो जो एक स्ट्रेस है या प्रेशर है आप कहिए, उसे नर्वसनेस तो नहीं कहेंगे लेकिन हम उसे ये कहेंगे कि अलर्ट एंड ऑन योर टो, तो रहना ही पड़ता है। What does the word showman mean? मतलब what does it mean to you when you got the title? मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत एक सिंपल और साधारण सा आदमी हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं बड़ी बेसिक और प्राइमरी नीड से मैं जिया हूँ। मुझे कोई बहुत बड़ी कारों का शौक़ नहीं, मुझे बहुत बड़े बंगलों का शौक़ नहीं, मुझे सिर्फ फिल्म बनाने का शौक़ है और एक बड़ी बड़ी फिल्म बनाने का शौक़ है। हर फिल्म मेरी थाट्स में बड़ी होनी चाहिए, विजुअल में बड़ी होनी चाहिए। शायद इसी वजह से कभी कभी किसी मीडिया ने ये कह दिया कि शोमैन का नाम दिया, जो मुझे भी समझ नहीं आया कि क्यों दिया उसने, लेकिन तब उसने मुझे बताया कि जो आपके शोज़ होते हैं, जो आपकी फिल्म होती है, वो लार्जर देन लाइफ होती है एंड वी एक्सपेक्ट ए ग्रैंड शो फ्रॉम यू। जैसे ग्रैंड शो ऑफ ए म्यूजिक, ग्रैंड शो ऑफ ए सिनेमा, ग्रैंड शो ऑफ कैरेक्टराइजेशन। सो बस ये एक तगमा है जो एक बड़ा टेम्प्रेरी सा होता है, कल फिर कुछ शोमैन होंगे। आज तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं जब टेलीविज़न देखता हूँ तो मुझे सारे शोमैन लगते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई शोमैन की कोई बात है, लेकिन ये है कि आपका पैशन क्या है, व्हाट यू वांट टू शो। डू यू थिंक आई ड्रीम बिग, आई थिंक बिग, आई वांट टू मेक माय मूवी आइदर बिग इन कैनवास और बिग इन थॉट।